गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश, और आज हम बीएससी सेकंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सुपर क्लास स्पीसीज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और आज हम क्लास थर्ड के सुपर ऑर्डर थर्ड ऑडोंटोफॉर्मिस का पूरा डिस्कशन करेंगे, जिसे 14 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं सुपर ऑर्डर थर्ड के करेक्टर्स। इसमें जो पहला लक्षण है वो इसमें मुखद्वार छोटा, ठीक है। इसमें जो दूसरा लक्षण है, स्केल्स साइक्लॉइड, टिनॉइड या अब्सेंट इस टाइप के होते हैं। तीसरा ऑर्डर है इसका, टेल होमोसर्कल होती है। चौथा ऑर्डर जो है, वो चौथा लक्षण जो है, हाइड्रोस्टैटिक ईयर ब्लैडर इसमें पाया जाता है। इस सुपर ऑर्डर को हम 14 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑर्डर है क्लूपीफॉर्मिस। तो क्लूपीफॉर्मिस ऑर्डर के लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। इसका पहला लक्षण है स्केल्स साइक्लॉइड व सिर पर सल्क यानी स्केल्स नहीं है। दूसरा लक्षण, एयर ब्लैडर एक नली के द्वारा फेरिंग से जुड़ा होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स या उदाहरण हैं वो देखें, क्लूपिया और हियरिंग, साल्मो। साल्मो एक फिश का नाम है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है स्कोपिलिफॉर्मिस। स्कोपिलिफॉर्मिस ऑर्डर क्या है, ये देखते हैं इसके लक्षण। पहला लक्षण है इसमें चौड़ा मुख, जिसमें असंख्य छोटे दांत होते हैं। दूसरा लक्षण, नो एयर ब्लैडर। तीसरा लक्षण, गहरे सागर में रहने वाले होते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं हार्पोडॉन और बॉम्बे डक। ये फिश के उदाहरण हैं जिस ऑर्डर में पाई जाती हैं। आइए अब तीसरे ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑर्डर जो है वो सिप्रिनीफॉर्मिस। सिप्रिनीफॉर्मिस के जो लक्षण हैं, आइए देखते हैं। पहला लक्षण, शरीर पर साइक्लॉइड स्केल्स का बाह्य कंकाल। दूसरा लक्षण, एयर ब्लैडर तथा आंतरिक कर्ण के बीच बेबर अस्थिकाएं यानी बेवेरियन ऑसिकल्स पाई जाती हैं। इस ऑर्डर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लेवियोरोहिता यानी रोहू, कटला कटला, क्लेरियास या मगूर, मगूर इसका कॉमन नेम है, हेटोनिप्स या सिंगी, सिंगी जो है इस फिश का कॉमन नेम है आदि। अगला जो ऑर्डर है वो है एंगुलीफॉर्मिस। एंगुलीफॉर्मिस ऑर्डर क्या है, आइए देखते हैं। पहला लक्षण, शरीर स्नेक के समान होता है। दूसरा लक्षण, स्केल्स अवशेषी या अनुपस्थित होते हैं। तीसरा लक्षण, एनल फिन तथा डॉर्सल फिन लंबे और पीछे की ओर मिले हुए होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एंगुलिया या मोरेनिया।
ये फिशेस जो हैं वो चौथे ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। अगला ऑर्डर है पांचवा ऑर्डर, वो सिंग्रेथीफॉर्मिस। सिंग्रेथीफॉर्मिस में क्या लक्षण हैं और कौन कौन सी फिशेस पाई जाती हैं, आइए देखते हैं। इसका पहला लक्षण है बॉडी पर सुरक्षात्मक सल्क या बोनी रिंग्स। दूसरा लक्षण स्नाउट जो होता है इन ऑर्डर में फिशेस का, वो ट्यूब लाइक होता है। इसको जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हिप्पोकैम्पस, जैसे हम सी हॉर्स या समुद्री घोड़े के नाम से जानते हैं। इस ऑर्डर में दूसरी फिश है सिंगनेथस, जिसे हम पाइप फिश के नाम से जानते हैं। तीसरी फिश है फिस्टुलेरिया, जिसे हम फ्लूट फिश के नाम से इस ऑर्डर में जानते हैं। ये सारी फिशेस इस ऑर्डर के उदाहरण हैं। अगला ऑर्डर है बिलानी फॉर्मिस, यानी छठा ऑर्डर बिलानी फॉर्मिस। तो बिलानी फॉर्मिस ऑर्डर के क्या लक्षण हैं, आइए देखते हैं। पहला लक्षण है इसमें जो स्केल्स होते हैं वो साइक्लॉइड। दूसरा लक्षण पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो बड़े होते हैं। इसको जो एग्जांपल्स होते हैं एग्जोसीटस, जिसे हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। बिलॉन, जिसे हम गार फिश के नाम से जानते हैं आदि। ये सारी फिशेस इस ऑर्डर के उदाहरण हैं। अगला जो सातवां ऑर्डर है वो है ऑफियोसिफेलिफॉर्मिस। ऑफियोसिफेलिफॉर्मिस के लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला लक्षण है एयर ब्लैडर लंबा तथा नलका विहीन होता है। दूसरा लक्षण जो है वह सहायक श्वसन अंग उपस्थित होते हैं। इसके एग्जांपल्स ऑफियोसिफेलस, चन्ना पंक्टेटस। ये स्नेक हेडेड फिशेस होती है, इसका सिर जो होता है वो स्नेक की तरह होता है। इसका अगला ऑर्डर यानी आठवां ऑर्डर जो है वो लोफीफॉर्मिस। लोफीफॉर्मिस के लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। इसका एक ही करैक्टर है, शिकार को आकर्षित करने के लिए सिर पर पृष्ठ लचीले सूलों में से पहले सूल का सिरा बल्ब जैसा चमकता है। इसके एग्जांपल्स हैं लोफियस, एंट्रेनेरियस, जिसे हम बैट फिश के नाम से जानते हैं। इसका अगला ऑर्डर है पर्सीफॉर्मिस, यानी नवा ऑर्डर है पर्सीफॉर्मिस। तो पर्सीफॉर्मिस ऑर्डर के क्या लक्षण हैं, आइए देखते हैं। पहला लक्षण है एयर ब्लैडर नलका विहीन होते हैं। दूसरा लक्षण पंख सूल उपस्थित होते हैं। तीसरा लक्षण बेबेरियन ओसाइकल्स नहीं होते हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं वो हैं एनावस, जिसे हम क्लाइमिंग पर्च के नाम से जानते हैं आदि। इसका जो दसवां ऑर्डर है वह प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस।
आइए इस ऑर्डर के क्या लक्षण हैं देखते हैं। ये चपटी, पहला लक्षण है, ये चपटी मछलियां हैं जिनके डॉर्सल एंड कॉडल फिन्स आपस में मिले होते हैं। दूसरा लक्षण, दोनों आईज एक ही सतह पर होती हैं। तीसरा लक्षण, शरीर पत्ती के समान चपटा होता है, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो एक लीफ के लाइक, लीफ की तरह होती है। अब इसके हम एग्जाम देखते हैं, उदाहरण, तो प्लूरोनेक्टिस और सेनेप्चुरा, इसे हम फ्लैट फिश के नाम पे जानते हैं। यानी एक्स का अगला ऑर्डर यानी 11वां ऑर्डर जो है वो है मेस्टियो सिम्बेलिफॉर्मिस। इसके लक्षण क्या है आइए देखते हैं। पहला लक्षण है, इसका बॉडी ईल के समान होती है। दूसरा लक्षण, डॉर्सल फिन तथा एनल फिन दोनों मिले हुए होते हैं। तीसरा लक्षण, वेंट्रल फिन नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेस्टासेम्बुलस। अगला जो ऑर्डर है वो है एनसियनी फॉर्मिस। इसका लक्षण है, प्रथम डॉर्सल फिन सिर पर एक चपटी एडहेसिव डिस्क बनाता है। दूसरा लक्षण, स्केल सैकुलाइड होते हैं। और तीसरा लक्षण, नो एयर ब्लैडर यानी कोई एयर ब्लैडर नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, इकाइनेस और रीमोरा और सकरफिस, ये उसके उदाहरण हैं। अगला ऑर्डर है यानी 13वां ऑर्डर, टेटा डोंटिफॉर्मिस। इसके जो लक्षण हैं, शरीर गोलाकार तथा स्पाइनी होता है। दूसरा लक्षण, कुछ पानी निगलने पर फूल जाती हैं। एग्जाम्पल्स, डायोडॉन जिसे हम परक्यूपाइन फिश के नाम से जानते हैं, टेटाडॉन जिसे हम ग्लो फिश के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेसियन जिसे हम ट्रंक फिश के नाम से जानते हैं। और अगला और आखिरी और लास्ट इसका 14वां ऑर्डर है सिम्ब्रैंकी फॉर्मिस। तो सिम्ब्रैंकी फॉर्मिस के लक्षण क्या हैं आइए देखते हैं। शरीर लंबा, ईल या सांप जैसी होती है। दूसरा लक्षण, नो एयर ब्लैडर, कोई एयर ब्लैडर नहीं होता है। तीसरा लक्षण, गिल रंध्र मिलकर एक अनुपस्थित अधर दरार बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, एम्फीपोनस, ये इसके उदाहरण हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।